सतपाल सिंह ने साथी सिंगा समेत भुख हड़ताल की शुरू। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी का एक होर वड्डा आगू गिरफ्तार। SYL के मुद्दे से सुप्रीम कोर्ट की पंजाब सरकार को फटकार। श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने आसाम की डिब्रूगढ़ जेल में नज़रबंद वारिस पंजाब के मुखी भाई अमृतपाल सिंह और होर सिखा के परिवारक मैंबर के वकीलों को मुलाकात की इजाजत ना देने एतराज़ प्रकट किया है। जथेदार ने कहा कि डिब्रूगढ़ जेल में नज़रबंद भाई अमृतपाल सिंह और साथियों वालों सरकारों के वतीरे तो दुखी होकर अपने हकों के अधिकारों शुरू की भुख हड़ताल मनुखी अधिकारों की उलंघना बेहद दुखदाई है। उन्होंने कहा कि बीते दिन डिप्टी कमिश्नर अमृतसर वालों डिब्रूगढ़ जेल विखे भाई अमृतपाल सिंह के परिवारक मैंबर उसके वकील को मुलाकात की लोड़ी इजाजत ना देना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि यह भी पता लग्या है कि अमृतसर जेल और देश दी होर जेलों में नज़रबंद सिंघा विचों कईयों सेहत समस्यावां बड़ियां हुई हैं पर उन्होंने मैडिकल सेहत सेवावां भी ठीक तरह नहीं दित्तियां जा रही। जथेदार ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को आदेश किया कि तुरंत ही ये मामले मुख्यमंत्री पंजाब सरकार पास उठाए जाण तां जो नज़रबंद सिंघा के मनुखी अधिकारों का घाण ना होवे। उन्होंने पंजाब सरकार ने भी कहा है कि डिप्टी कमिश्नर अमृतसर को हदायत करन तां जो नज़रबंद सिंघा ते उन्हां दे वकीलों को मुलाकात वास्ते समय समय से तुरंत इजाजत दी जाए। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी इस मामले को लेकर एतराज़ जताया है। श्रोमणी कमेटी तो जारी एक बयान में एडवोकेट धामी ने कहा कि डिब्रूगढ़ जेल में कैद सिखा के परिवारों को मिलने तो रोकना मनुखी अधिकारों की उलंघना है। उन्होंने कहा कि अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर वालों मुलाकात लिए लोड़ी आज्ञा ना देकर ठीक नहीं किया जा रहा। मनुखी अधिकारों तहत हर कैदी नाल उसके परिवारक मैंबर के केस की पैरवाई करने वाले वकीलों की मुलाकात का हक दबाया नहीं जा सकता। एडवोकेट धामी ने कहा कि दुख की गल है कि डिब्रूगढ़ जेल में बंद सिखा इंसाफ लैण लई भुख हड़ताल करनी पै रही है। एडवोकेट धामी ने कहा कि इस मामले में श्रोमणी कमेटी तरफों पहलों तो ही कानूनी सहयोग दे रहे एडवोकेट भगवंत सिंह सियालका लोड़ी कार्रवाई लिए कहा गया है जो अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर मिलेंगे। दस दिए कि अमृतपाल सिंह ने आसाम की डिब्रूगढ़ जेल में अणमिथे समय के लिए हड़ताल शुरू कर दी है जिस विच उन्होंने 9 साथी भी शामिल हैं। दूजे पासे अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप कौर ने भी पति की हिमायत में जेल के कोल भुख हड़ताल शुरू कर दी है। यह भुख हड़ताल उन्होंने वालों चुने हुए वकील को मिलन ना देने के विरोध में की गई है। दस दिए कि अमृतपाल सिंह को कौमी सुरक्षा एक्ट में पंजाब तो गिरफ्तार किया गया है जिसके बाद उन्होंने आसाम की जेल भेज दिया गया। किरणदीप कौर ने दसिया कि अमृतपाल सिंह और उन्होंने साथियों उन्होंने वकील राजदेव नाल नहीं मिलन दिया जा रहा जबकि उन्होंने इसका पूरा हक है। 5 दिनों में इस मामले में कोई हल नहीं निकलिया है। डिब्रूगढ़ जेल में नज़रबंद भाई अमृतपाल सिंह और बाकी साथी सिंह ने भुख हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने कहना है कि जेल में उन्होंने परिवारक मैंबर केस की पैरवाई कर रहे वकील को मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। इसकी जानकारी अमृतपाल सिंह की माता ने वीडियो संदेश राही दी है। समूह सिखा इस समय उन्होंने साथ देने की अपील भी की है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरी सारी संगत नु हाथ जोड़ के अपील है कि भाई साहब हुण कई दिन तो भुख हड़ताल से बैठे है तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने वकील गए सी राजदेव खालसा भी उन्होंने भी उत्थे 2 दिन खज्जल खराब होना पिया ते मिलन नहीं दिता क्योंकि उन्होंने जे वकीलों मिलना देंगे तो केस की पैरवाई किदा होगी। बाकी अही भी गए सी ते सानू भी कई परिवारों भी मिलन नहीं दिता। मेरी पोती सी 7 साल की गई उन्होंने भी नहीं इन्होंने मिलन दिता। तो जेड़ा अमृतसर वाला DC है बहुत ज्यादा वधीकी करन डिया वा क्योंकि कोई सुनवाई नहीं करता। बाकी ये वा भी सारी संगत नू अपील है भी आपां इकट्ठे होईए 6-7 महीने उन्होंने अंदर हो गया अजे तक उन्हों का कोई मसला हल नहीं होया कोई केस नहीं लगा। तो सारी संगत नू अपील है भी आपां इकट्ठे होके DC नू मिलीए भी ये की हल इहदा किहड़ा हल निकलदा वा ते क्योंकि उन्होंने बड़ा दिमागी तौर पर मानसिक तौर पर उन्होंने जो टॉर्चर किया जा रहा भाई साहब उन्होंने तो वह उत्थे परेशान हो। पहली गल तो उन्होंने इतने पंजाब दी जेलां च लियांदा जाए तो जे नहीं तो जो भी पैरवाई बनती है की जाए तो हाँ अं कट्ठे होवो सारे परिवारों नूं बेनती जिन्हें भी सिंह अंदर वा सारे परिवार कट्ठे होवो सारी संगत नूं भी अपील आ भी आपां कट्ठे होईए। पंथ का काम सी तो पंथ के काम लई भाई साहब तुरे सी ते करके कट्ठे होके तो जो इहदा हल निकलता वह कढ़ीए ते DC नूं मिलीए। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतह। ED ने दिल्ली आबकारी नीति नाल जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार सवेरे आम आदमी पार्टी के संसद मैंबर संजय सिंह के घर छापा मारिया। अधिकारियों ने दसिया कि इस मामले के सिलसिले में कुछ होर लोगों के टिकाणियों पर भी छापेमारी की गई। संजय सिंह आप तो राज्यसभा मैंबर हैं। ED ने इस मामले में पहला उन्होंने स्टाफ मैंबर और उन्होंने जुड़े लोगों तो पूछगिछ की। इल्जाम हैं कि शराब के व्यापारियों को लाइसेंस देने 2021-22 दिल्ली सरकार की आबकारी नीति ने धड़ेबंदी उत्साहित किया कुछ डीलर फायदा पहुँचाया जिन्होंने कथित तौर पर इसलिए रिश्वत दी।
आपने इन इल्जामां दा खंडन किया है। दिल्ली के उप राज्यपाल वालों मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो नूं करन दी सिफारिश कीते जाण तों बाद यह नीति रद्द कर दी गई सी। ईडी ने सीबीआई जांच की सिफारिश कीते जाण तों बाद मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम एक्ट के तहत केस दर्ज किया सी। सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद से सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। अदालत ने सुनवाई दौरान पंजाब सरकार ने कहा कि वह इस मुद्दे पर सियासत ना करे। पंजाब सरकार कानून तो उपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार सानू सख्त हुक्म देने लिए मजबूर ना करे। खबरों अनुसार पंजाब सरकार के रवैये तो सुप्रीम कोर्ट काफ़ी नाराज नज़र आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार इस मामले में अगे वधन का हुक्म दिता है। अदालत ने कहा कि जेकर सुप्रीम कोर्ट किसी हल वल वध रही है तो पंजाब सरकार भी उसारू रवैया दिखाना चाहिए है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हुए घटनाक्रम बारे रिपोर्ट पेश करने लिए कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई हूँ जनवरी 2024 होगी। हरियाणा सरकार ने सुनवाई दौरान कहा कि यह विवाद दो दहाकों तो चल रहा है। पंजाब सरकार इस समस्या का हल नहीं चाहती। पिछलियां दो मीटिंगों में कोई हल नहीं निकलिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पंजाब वाले पासे SYL नहर की मौजूदा स्थिति का सर्वेखण करने की प्रक्रिया शुरू करने लिए कहा है, जिस विच यह देखा जाना है कि इतने कितनी जमीन है और कितनी नहर बनी है। इस विच पंजाब सरकार नूं सहयोग देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार नूं कहा कि सर्वेखण लई केंद्र तों आउण वाले अधिकारियों नूं लोड़ीं दी सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। राजस्थान सरकार ने भी कहा है कि पंजाब सरकार दा रवैया इस दिशा विच अगे वधदा नज़र नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा विच SYL नहर बनाउण दी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, इसलिए पंजाब नूं भी इस समस्या का हल लभण लई काम करना चाहिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असीं लंबे समय तो चल रहे इस विवाद का हल लभण दी दिशा विच काम कर रहे हाँ। सानूं उम्मीद है कि पंजाब सरकार भी इस दिशा विच काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार तों पंजाब विच SYL नहर दे निर्माण की मौजूदा स्थिति बारे भी रिपोर्ट मंगी है। SYL के मुद्दे से सियासत गरमाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट वालों पंजाब सरकार को पाई फटकार तो बाद वक-वक सियासी आगू अपना प्रतिकरण दे रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल बादल के आगू विक्रम मजीठिया का कहना है कि अकाली दल ने तो SYL की जमीन किसानों को वापस कर दी है, फिर SYL बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरह जी मैं उस वेले मैं रेवेन्यू मिनिस्टर सी और बादल साहब मुख्यमंत्री से, जिथे इस SYL का टक कांग्रेस पार्टी ने लवाया सी पटियाले जिले से, उस जगह पर जाके असी लैंड ओनर्स नूं वापस ये जमीन देती है। पंजाब दे कोल SYL की जिहड़ी जमीन है उसके मालिक हुण लैंड ओनर से कोई जमीन नहीं है, तो जब जमीन नहीं तो SYL कितों बननी। SYL किसी की मेरी बेनती सुन लो जी, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आऊगा तो मैं पूछ लियो सवाल, मगर पंजाब को पानी नहीं है, पंजाब का पानी नहीं है और ना पंजाब पानी दे सकती है। ये ऑर्डर ये लोगों की भावना और मैनू पूरी आस है कि सुप्रीम कोर्ट पंजाबियों की भावना समझूगी कि भगवंत मान जी और अरविंद केजरीवाल पंजाब दे पानी ये दूजे सूबिया हरियाणा ते राजस्थान जिथे चोणा ने उत्थे देना चाहुंदे। सुशील गुप्ता ने भगवंत मान की हाजिरी च, सुशील गुप्ता कौन जिहड़ा भाजपा आम आदमी पार्टी का हरियाणे लिए इंचार्ज है, उन्हें स्पष्ट किया कि साड़ी सरकार बना दिओ, पंजाब च बन गई है 24 च हरियाणे च बना दो, असी ये पानी SYL का हरियाणे के कोने कोने तक पहुँचा देंगे। ही हैज की भगवंत मान ने अज तक मांग की थी कि सुशील गुप्ते नूं पार्टी चो कढ़िया जावे। यही गल बेनीवाल नाल रात दे नेरे बठिंडे मीटिंग हुंदी है, राजस्थान भगवंत मान जी जाते हैं, पहले CM ने ऑन देश दे, पंजाब दे जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड जाके राजस्थान से कहा कि मैं तो पानी देना चाहना, गलोत ही नहीं मंगता। तुसी मैनू किसी चीफ मिनिस्टर पंजाब की यह स्टेटमेंट कर दो, जो नहीं मंगता तो होर की चाहिए, मगर ये पानी हरियाणे भी और राजस्थान भी दे के राजी ने। दूजे पासे SYL दे मुद्दे ते ही BJP आगू हरजीत गरेवाल दा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि पंजाब कोल देने लई वाधू पानी है ही नहीं, इसलिए पंजाब सरकार नूं इस ते सख्त स्टैंड लेना चाहिए है। जदों ये पानी दी बंड होई सी उस वेले पंजाब को जो पानी सी अज वो है नहीं, जिहड़ी चीज़ है नहीं वो वंड किस तरह कर देंगे, तो पंजाब अपना पानी थोड़ा दे देगा चक्के, इस करके बड़ा इंपॉसीबल जिहा काम आ। पर पंजाब दे विच जो होया SYL दी आ मिट्टी भी पॉलिटिशियनां ने चक्की है, और मेरा ख्याल है भी 500 करोड़ के करीब मिट्टी
अलग अलग विधायक जिहड़ी जिहड़ी पार्टियां दे आए, कांग्रेस वालों ने भी चक्की, उस वेले अकाली सरकार सी, साडी सरकार सी, उस वेले भी चक्की गई, और अज आम आदमी पार्टी दे विधायक चक्की जांदे। मैं उत्थे मीडिया नूं लैके भी गया, उत्थे कहा भी, पर अजकल ये खबरां नहीं लगन दिंदे ज़्यादा, इस करके दिक्कत है। मेरा ख्याल है कि जिहड़ा एस वाई एल ते सुप्रीम कोर्ट दा आया, उहदे च पंजाब सरकार नूं पूरी तैयारी करनी चाहीदी सी। जिस तरह एडवोकेट जनरल रेजिग्नेशन दे के जा रहे हैं, मेरे ख्याल तीसरा या चौथा रेजिग्नेशन है, और इस तरह किसी सरकार च नहीं होया। टाइम भी ज़्यादा नहीं होया, पीरियड भी ज़्यादा नहीं होया, अजे अगले जिहड़े 3 साल रहिंदे, सवा 3 साल, उहदे च किन्ने रेजिग्नेशन होणगे पता नहीं। और जिहड़ी केजरीवाल जी ने, जे उन्हां दी सोच दे मुताबिक चले, क्योंकि सरकार तां उही चलवा रहे हैं, तो दिल्ली दे लोग आके बैठे हुए हैं, तो जे उस मुताबिक चले तो उन्होंने दिल्ली जाके होर विचार ने, एस वाई एल तो हरियाणा च होर ने, राजस्थान च होर ने, पंजाब च होर ने। तो सानू, मैं पंजाब सरकार नू भी ये प्रार्थना करदा कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब पूरी तरह पंजाब दे हितां लई खड़ी है, साडे कोल फालतू पानी देण नू है नहीं, उत्थे पूरी चाराजोई करो, नहीं तो असी भी एक्सपोज करांगे। असी राजनीति नहीं इत्थे करना चाहुंदे ऐसा मुद्दा, पर पंजाब दे हक्कां लई जे साडे हितां ते डाका पएगा तो वह बर्दाश्त नहीं होएगा, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੇਰਵੇ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਐਸ ਸਾਰੋ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੀੜੀ ਤੰਬਾਕੂ ਆਦਿ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 170 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 15 ਮੈਂਬਰ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 2021 ਤੱਕ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 15 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਆਦ 2021 ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀ ਵਾਲਾ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਰੀਬ 8 ਵਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੰਬਰ 54 ਤੇ ਸਥਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 'ਚ ਹੋਏ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਓਟਾਵਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਫੀਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
अमरीका के विदेश मंत्री नू अपने भारतीय हमरुतबा नाल अपनी बैठक विच अजिहा करन दा मौका मिलिया। ए पुछे जाते कि की भारत कनेडा नाल सहयोग करन लई सहमत हो गया है, इसते मिलर ने कहा कि इसका जवाब नवी दिल्ली ने देना है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हाँ कि भारत सरकार इसते खुद अपनी गल रखे, मैं अमेरिका सरकार वालों गल करांगा अते मैं सहयोग की अपील करता हाँ। जयशंकर ने पिछले हफ्ते इतने पत्रकारों को कहा कि भारत और कनेडा दी सरकारों एक दूजे नाल गल करनी होगी, वेखना होगा कि वह इस मुद्दे से अपने मतभेदों किस तरह हल कर सकते हैं।